जे दीक्षा दूं या तुझे देखूं। तो उनने वो मौन रहा। सभी शिष्यों के मुख पर से पूरी हाव भाव उड़ गए थे कि गुरु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। मधुसभा को गुरु जी ने कहा, अगर तुझे मेरा शिष्य बनना है तो मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। और क्या परीक्षा, उन्हें 3 साल तो हो ही गए और आप और क्या परीक्षा देते हैं। बोले मधुसभा, तो यहां इस पहाड़ से नीचे कूद जा। एक मिनट के लिए सभी शिष्य हड़बड़ा गए। सभी शिष्यों को ये लगा कि गुरु जी ये क्या कर रहे हैं, आप संबंध नहीं है तो क्या इसको मार डालेंगे, क्या इसको खत्म कर देंगे। लेकिन मधुसभा जो ऐसा 3 साल से जिस सहन शक्ति से वो गुरु जी के साथ चल रहा था, उसने एक मिनट भी विचार नहीं किया और वो पहाड़ से नीचे कूद गया। सभी लोगों में हाहाकार मच गया। जो शिष्य लोग थे, सभी लोग शिष्य थे, वो लोग कह रहे थे कि ये क्या हुआ। गुरु जी मौन बैठे हुए थे, शांत थे, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, कोई हड़बड़ नहीं। गुरु जी ने एक शिष्य को कहा, जा नीचे के ऊपर उतर के चले जा, वो पहाड़ से नीचे कूदा है, उसको ढूंढ कर ले गया। तो शिष्यों के दिल में था, अब क्या लेके आना, वो तो शव हो गया, वो तो मर गया होगा, उसे क्या लेके आना। दो शिष्य नीचे उतरे तो देखते क्या है कि ऊपर से जब कूदा तो एक पेड़ में जाके अटका, जो पेड़ बहुत ही नरम था, केवल खरोंच आई थी मधुसभा को, कुछ नहीं हुआ था। जब ये लोग गए उनको लेने के लिए, मधुसभा पेड़ के ऊपर से कह रहा था, यार मैं यहां हूं, यहां पेड़ में अटका हुआ हूं। गुरुजी के कहने पर उनको लेकर, मधुसभा को लेकर गुरुजी के सामने आए। वो अपने आंखों से अश्रु बहा रहा था। गुरुजी की तरफ सभी शिष्यों ने देखा कि ये तो बचा हुआ है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। सभी लोगों ने कहा कि प्रभु आपकी सब कृपा है, ये बात आप पहले कहते तो मानता था, आप बाद में कह रहे हैं उसके गिरने के बाद। पहले तो आपको ये शंका नहीं कि मर गया, गुरु के ऊपर आपकी निष्ठा नहीं थी, उसको निष्ठा थी कि गुरु के ऊपर मैं मर जाऊंगा भी तो कोई बात नहीं, मैं गुरु जी के से जा रहा हूं। आप सभी से भी श्रेष्ठ शिष्यता उसको प्रदान करता हूं और आज गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा देता हूं। और उन्होंने मधुसभा को दीक्षा दी। वही मधुसभा बाद में दिव्यानंद नाम के आदमी हुए, दिव्यानंद नाम के शिष्य हुए, और वही दिव्यानंद गुरु जी के पास से यमुनोत्री के पार दिव्यानंद आश्रम की स्थापना गुरु जी के हाथों से, और आज वही मधुसभा दिव्यानंद के नाम से आश्रम चलाते हैं। वो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के शिष्य थे। और उस दिन गुरु जी ने बताया था कि मधुसभा का और मेरा जो संबंध है वो इस जन्मों से नहीं, 7 जन्मों से उसे आने के लिए इतना लगे, इसलिए हमने 3 साल से वो निष्ठा के साथ मेरा इंतजार कर रहा था। और मैंने उसकी परीक्षा देखी, आज भी वो वही मेरे साथ निष्ठा रखता है, क्योंकि गुरु जी की परीक्षाओं की कमी नहीं होती। इसलिए मैं उन्होंने मौर्य वंश के चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए, नंद वंश के राजा को हराने के लिए बहुत सारे कूट चाणक्य भगवान से कहा, चाणक्य अपने गुरु रहने के कारण चाणक्य से कहा, हे प्रभु आप राज्य में राजा बनकर ठहरो, आज तक आपने बहुत कष्ट सहे हैं, सब कुछ किया है, मैं तुम्हारा मंत्री बनकर रहूंगा। चाणक्य ने कहा, मैं यह कार्य राजा बनने के लिए नहीं किया, केवल लोक कल्याणार्थ किया हूं, और मुझे पता है मैंने क्या क्या गलतियां की है, तुझे राजा बनाने में मुझसे क्या गलतियां हुई ये भी मुझे पता है। अब मुझे मेरा कार्य पूर्ण हो गया, मैंने समाज को एक सामर्थ्यवान राजा को प्रदान किया है, अब मैं मेरे संन्यास के लिए मैं चला जाता हूं, मुझे अब इससे कुछ लेना देना नहीं। कितना भी कहने पर प्रजा ने, चंद्रगुप्त मौर्य आदि राजा ने सभी को चाणक्य को मनाने की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी स्वार्थवश ये कार्य मैंने नहीं किया, मैं यहां से संन्यास के लिए चला जाता हूं। वे बाहर आए और सभी को कह दिया कि यहाँ के बाद मैं जंगल में जा रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। वो जंगल में चले गए और उन्होंने उनको जिस गुरु ने दीक्षा दी थी उस गुरु के चरणों में वे बैठ गए। 3 दिन तक उसी तरह बैठे रहे और उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मैंने मेरे जीवन में जानबूझकर या नहीं जानबूझकर बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे सेनापतियों को, राजाओं को जो कूटनीति करते हैं उन सभी को मरवा डाला, वो मरवा डालना पाप है मैं भी जानता हूं, लेकिन समाज के लिए मुझे करना ही पड़ा, जिनका कुछ भी दोष भी नहीं था ऐसे लोगों को भी मैंने मारा, यह तो पाप मेरे सर पे मढ़ा हुआ है, मैं फिर भी ब्राह्मण हूं, पापों को तो लेकिन नहीं चलूंगा, लेकिन आप गुरु जी हैं, आप गुरु जी के नाते आप मुझे ये बताओ कि अब ये सारे क्रिया तो मेरे जीवन में हो गई,
गलतियां अच्छी या अच्छापन या गलतियां ऐसे हो गई, अब मेरी रक्षा किस तरह होगी, क्या करना होगा मुझे। उनके गुरु प्रत्यक्ष हुए और कहा कि चाणक्य तू गुरु चरणों में बैठकर निस्वार्थ रूप से तूने कार्य किया, स्वार्थ से तूने कोई कार्य नहीं किया जिसमें तेरा स्वार्थ सिद्ध हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम आज से यह मंत्र मैं बोलता हूं जो गुरु का मंत्र है, इस मंत्र को बोलते हुए एक काली गाय और बछड़ा तुझे दे रहा हूं। इस मंत्र को लेकर नर्मदा नदी के तट की प्रदक्षिणा करते चला जा। जहां ये काली गाय सफेद हो जाती है उस दिन समझ तेरे पापों का पाप चले गए और तू इष्टान रूप से सफेद अच्छा पुण्यवान हो गया और वहीं तेरी तेरा आखिरी स्थान समाधि का स्थान वहीं होगा। चाणक्य को उनके गुरु ने बताया, गुरु आज्ञा कहते उसने कहा मेरे तो पाप धुलने वाले नहीं, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, फिर भी चाणक्य गुरु की आज्ञा पर उस मंत्र को बोलते हुए उस गाय और बछड़े को लेके गए। और आज भी अगर आप कहीं जाते हैं तो चाणक्य की वह समाधि, चाणक्य जहां गाय बछड़े को ले गए थे वह स्थान गुजरात के नर्मदा तट पर आज भी विराजमान है, जहां काली गाय सफेद हो गई थी उनके गुरु जी के आशीर्वाद से और चाणक्य ने वहीं अपनी समाधि का कार्य किया। वैसे ही दक्षिण में एक राजा हुए श्री कृष्ण देव राय, जिसके बारे में आप जानते हैं जो हम्पी के राज्याधिपति थे, और उनके गुरु के रूप में तिम्मरुसु नाम के एक राजा, तिम्मरुसु नाम के एक मंत्री थे जो बचपन से लेकर उनको पाल पोस कर दूसरे राजाओं से लड़कर छोटे बच्चे श्री कृष्ण देव राय को अपने घर में पाल पोस कर सब कुछ सिखाकर उन्होंने राजा बनाया। जिस दिन राजा बनाकर जा रहे थे, राजा बनना था हाथी पर बैठकर श्री कृष्ण देव राय जा रहे थे, उसको राजा बनना था और तिम्मरुसु जो उनके मंत्री थे जिनको पढ़ाए पढ़ा किए जो गुरु के रूप में उनको थे, वो एक क्षण में बाजू में खड़े हुए ताक रहे थे, बाजू में खड़े रहकर देख रहे थे। और श्री कृष्ण देव राय अब राजा बनने की हाथी के अंबारी पर बैठकर बहुत ही इसके साथ शान के साथ जा रहे थे, उनके पीछे सेना घोड़े हाथी ये सारी चीजें थी और श्री कृष्ण देव राय आगे चलते हुए जा रहे थे। जैसा ही राज्य का बड़ा दरवाजा आया, राज्य का जो गेट बोलते हैं आप, आया तो वहाँ हाथी जाने से पहले श्री कृष्ण देव राय ने अपने गुरु तिम्मरुसु को देखकर वहाँ हाथी पे खड़े खड़े उसने हाथ हिला लिया अपने गुरु को कि मैं राजा बनकर अब जा रहा हूँ। तिम्मरुसु एक मिनट तक उसको देखते रहे और उसने कहा हाथी को रोको और उतारो। श्री कृष्ण देव राय परेशान हो गए कि मैं राजा बनने जा रहा हूँ, मैंने हाथ हिलाया क्या, गलती की है क्या, क्या हुआ, मेरे गुरु ने हाथी को थमा दिया, हाथी थम गई। हाथी से श्री कृष्ण देव राय को कहा नीचे उतर, मुझे तेरे से बात करनी। श्री कृष्ण देव राय उतरे, बोले ये राजा होकर जाते समय भी अभी बात करना, ये गुरु को कुछ काम नहीं होता, जाते जाते भी कुछ ना कुछ छेड़ते हैं, अभी आनंद के साथ जा रहा था बीच में आकर टोक कर मुझे उतरो, सभी लोगों में अपना बड़प्पन बताने के लिए ये सारे कार्य करते हैं। उसके दिल में श्री कृष्ण देव राय के मन में आ रहा था कि गुरु ने मुझे खाली उतार दिया जबकि मैं सिंहासन पर हाथी पर बैठकर जा रहा हूँ, राजा बनाने वाले वही है, अगर एक मिनट रोकते राजा बनने के बाद भी बुलाकर मुझे बात कर सकते थे, यहाँ सभी के सामने हाथी पर उतार कर मुझे बुलाने की क्या चेष्टा है, क्या क्रिया। फिर भी श्री कृष्ण देव राय गुरु के कहने पर उतरे और गए तो तिम्मरुसु ने कहा एक कमरे में तेरे से अलग से बात करनी। श्री कृष्ण देव राय इतना चिड़चिड़ा हो गया कि अभी क्या बात करनी है, जो एक कमरे में चले गए, सभी को बाहर कर दिया गया। तिम्मरुसु जब श्री कृष्ण देव राय अंदर आए, दरवाजा बंद कर दिया गया और उस गुरु ने श्री कृष्ण देव राय को खींच कर एक थप्पड़ मार दिया था। हड़बड़ा गए श्री कृष्ण देव राय, राजा हूं जिससे तिम्मरुसु मेरे गुरु ने मेरे को थप्पड़ मार दिया जोर से, वो थप्पड़ हाथ में लेकर चल रहे थे, ऐसा ही खड़े होकर देख रहे थे अपने गुरु को क्या हुआ। इस थप्पड़ को याद रखना, कभी भी किसका गुरु अभिमान नहीं करना कि तू राजा बन गया है और ये सारी तेरी प्रजा है और मैं इसका पालन करने वाला हूं, जब तक ये अभिमान तुझे नहीं जाता ये थप्पड़ याद रखना कभी भी कि मैं राजा हूं, तू प्रजा का रक्षण करता पालन करता ही है, तुझे इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये थप्पड़ याद रखेगा। दरवाजा जैसा ही खुला तिम्मरुसु राजा को इस प्रकार नमस्कार करते हुए आए, लेकिन राजा को पता चला थप्पड़ का क्या था, वो देखते हुए अपने गुरु को देखते हुए सर नीचा करके वो थप्पड़ याद रखा, क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्यों को अच्छी तरह मार्ग पर लेकर चले, वो गलती करते हैं। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं बताता हूं। मैं कहता हूं कि लाइन में आ जाओ, तुम्हारे पास सामग्री है तो आ जाओ, तुम सामग्री लेकर आओ, साधना करके लेकर आओ, इसमें
थोड़े लोग ऐसे होते हैं गुरु जी मेरे पिताजी का साधना किया हुआ पॉकेट है, वो दूसरों को देता है फिर लेकर आता है, साधना नहीं करता फिर भी दीक्षा शक्ति पा दीक्षा लेना, ये नंबर वन। नंबर दो क्या करता है गुरु जी, ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा है, नंबर दो अंतर शक्ति पा दीक्षा, मेरे को कहता नहीं, वो आता है लाइन में मैं दीक्षा दे देता हूँ, ये बात अलग है कि मैं दीक्षा देता हूँ। ये सब होने के बाद भी वो साधना पूर्ण नहीं करता फिर भी अपने पास आकर दीक्षा लेना चाहता है। नंबर तीन का विधान ये है कि वो गुरु जी को कहता है, गुरु जी के पास आकर कहता है कि गुरु जी मैंने साधना नहीं की फिर भी दीक्षा दे दो ना। मैं पहले बोलता हूँ मैं ऐसा नहीं करना है, तुम्हें शक्तिपात दीक्षा के लिए यंत्र लेकर ही आना है, साधना करके ही आना है। लेकिन उसको कहता है कि जो फ्री में मिल जाए तो क्या बात है, अगर हम शक्तिपात दीक्षा के लिए मैं वही कहता कि 2000 रुपये देना है तो लाइन आधी कट जाती थी, और नहीं दे रहा है तो ले लेने में क्या है, गुरु जी को बोलने में क्या है। आप गुरु जी को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, आपकी यह गलती आपको आज नहीं तो कल समझ में आएगी कि आपने क्या किया। गुरु जी को धोखा देना है, मैं तो आदत पड़ गई है धोखा खाने की, मैंने बहुत सारे लोगों से धोखा खाया है और आप शिष्यों से भी धोखा खाऊंगा, लेकिन ये बात याद रखो आपको धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे गुरु जी ने सिखाया है कि धोखा खा लेकिन धोखा मत दे, किसी को धोखा मत दे। धोखा खाना बुरी बात नहीं है, धोखा देना बुरी बात है। तो हम गुरु जी के सामने जब आते हैं तो हमारे पास हम कुछ करें या ना करें, हम उनके सामने इस तरह आते हैं कि हमने कुछ किया, क्या ये विधान है। साधना करते हैं फिर भी साधना नहीं करते, गुरु जी आधी साधना हो गई अब फिर भी दीक्षा दे दो ना, गुरु जी हम उठ के चले गए बहुत बारिश थी मेरे को ठंड लग रही थी इसलिए मैं चले गया, दीक्षा दे दो ना। इस प्रकार हम साधना के माध्यम से जो मैंने आपको कही है उसकी अपूर्णता तो होती है, पूर्णता तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आप दीक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं और मैं दीक्षा देता हूं। यह गलतियां आपकी नहीं, अब मैं या तो कहूं मेरा प्रेम आपके साथ है इसलिए मैं दीक्षा दे रहा हूं, या मैं आपको गलत मार्ग पर ले जा रहा हूं। आपको अगर स्ट्रिक्ट रूप से कहता था कि कहां कि आप केवल यंत्र लिए साधना करें हैं तो आप आओ मैं दीक्षा देता हूं, तो यह बात नहीं होती। मैं आपसे प्रेम करता हूं इसलिए दीक्षा देता हूं, लेकिन यह प्रेम भी धोखा का कारण बन सकता है। हम कभी दीक्षा लेने से भी, दीक्षा लेने से पहले या किसी कारण से पहले, हम आने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या हमें अधिकार है, क्या गुरु ने कहा है, मुझे पता है आपको दीक्षा क्या देनी है, आपको किस प्रकार आपका उद्धार करना है। अब थोड़े लोग ऐसे हैं कि मैंने गुरु जी का बहुत बड़ा कार्य किया है, मैं गुरु जी का सेवक हूं, गुरु जी की बहुत सेवा की है, वो क्या कहता है सभी को हटाते हुए आता है, चलो मेरे को दीक्षा दे दो। अरे तू तेरे पास होगा भाई कोई नियम है, कोई उसका विधान है, मैंने कहा है तू सेवा किया है तो तेरी सेवा के रूपये सेवा के उपलक्ष्य में तेरी दीक्षा दी जाएगी, तेरे ऊपर कृपा की जाएगी, लेकिन उस समय जो नियम है उस नियम को तू टालना नहीं।